राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मामला दिल्ली के थाना नन नगरी इलाके के भोपुरा का है। बताया जा रहा है कि 33 वर्षीय ट्रक ड्राइवर गुड्डू दिल्ली के पंचशील में अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ रहता था। जिस दिन गुड्डू की हत्या हुई, उस दिन वो अपनी पत्नी के भाई के घर खाना खाकर मालिक से मिलने निकला था, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। गुड्डू के परिजनों का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट मालिक ने ही रुपयों के लेन देन के चलते उसकी हत्या कराई है। मामा के घर से खाना खा के जब मालिक ने फोन करा तो फिर मालिक के पास आए, फिर उसके बाद हमें नहीं पता फिर पापा के साथ क्या हुआ। और मैं पापा का अपने पापा का सबसे बड़ा लड़का हूँ और मेरे दो भाई और दो बहनें हैं और हम सारे स्टडी करते हैं और चौधरी ट्रांसपोर्ट सर्विस में मेरे पापा काम करते थे। और एक घंटे तक कम से कम हमें मालिक ने गुमराह किया है कि तुम्हारे पापा जनरल में है या जीटीवी में है, ऐसे करते करते फिर एक डेढ़ घंटे बाद हमें पापा की डेड बॉडी मिलती है। वही मृतक की पत्नी का आरोप है कि इतना कुछ होने पर भी मालिक उनसे मिलने नहीं आया है। गाड़ी चला रहे थे, मालिक के पास फोन करा कि पैसों की जरूरत है, मालिक कह रहा गाड़ी लेके आओ, मैं पैसे देता हूँ, ये गाड़ी लेके गए। 10:30 बजे की टाइम है था, आज अभी मार दिया वहीं पे मार दिया। इतना चाकू बाद में लगाया, ब्लड तो निकला नहीं, फिर इतने चाकू से कैसे मर सकता है इंसान, इतने चाकू से नहीं मर सकता इंसान, मेरा मार दिया। और मालिक अब भी नहीं आया देखने, जिसकी गाड़ी चलाते हैं मालिक अब भी नहीं आया देखने। भाई जमुआ चावर तो हो जाती थी ऐसे मालिक में इनमें दोनों में, अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे दो को दे दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट, दिल्ली।